नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि की नई लिस्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर पीएम किसान की नई लिस्ट में आपका नाम है तो ही आपको 11वीं किस्त मिलेगी। अगर आपका नाम नई लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको पीएम किसान की 11वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पीएम किसान की जो नई लिस्ट जारी की है वो आप कैसे देख सकते हो अपने मोबाइल से ही। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको भविष्य में मिलती रहें। तो पीएम किसान की जो नई लिस्ट है वो कैसे आप देख सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। देखिए, मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको अपने मोबाइल में अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में आपको टाइप करना है पीएम किसान और सर्च कर देना है। पीएम किसान लिख करके सर्च कर देंगे तो सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी, pmkisan.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में आपको इंडिया का मैप नज़र आएगा और उसके नीचे आपको कुछ कॉलम नज़र आ रहे हैं और आपको एक कॉलम पर यहां मार्क कर देता हूं मैं, बेनिफिशियरी लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ कॉलम ओपन होकर आ जाएंगे। तो सबसे पहला कॉलम है स्टेट का, तो आप यहां से ड्रॉप डाउन में से अपना स्टेट चुन लीजिए। तो मैंने यहां से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में दूसरा कॉलम है डिस्ट्रिक्ट का, तो आप यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। तो मैंने जैसे आगरा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद में तीसरा कॉलम है सब डिस्ट्रिक्ट का, यानी तहसील आपको इस ड्रॉप डाउन में से चुन लेनी है। तो मैंने यहाँ करावली को चुन लिया है। इसके बाद में आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप जो भी आपका ब्लॉक है वो आप ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद में आपको विलेज सेलेक्ट करना है, तो आपके ब्लॉक में जितने विलेज होंगे वो सारे विलेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जो भी आपका विलेज है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ से कोई भी विलेज आपको सेट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे मान के चलिए यहाँ से अपना विलेज भोपुर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ गेट रिपोर्ट पर हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए, आपके गांव में जितने नाम होंगे पीएम किसान की लिस्ट के अंदर वो सारे नाम यहां पर शो हो जाएंगे। तो आपको इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है। तो इस पेज में अगर आपका नाम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, देखिए नीचे इसमें पेज दिए हैं 6, तो आपको यहाँ सेकंड नंबर के पेज पर क्लिक करना है। तो आपके सामने दूसरे नंबर का पेज है वो लिस्टेड हो जाएगा। तो आप इस पेज में अपना नाम चेक कर लीजिए। तो अगर आपका नाम इस पेज में नहीं है तो आप यहाँ से तीसरा पेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप बारी बारी से पेज चेंज करके अपना नाम देख लीजिए। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम है तो आपको पीएम किसान की 11वीं किस्त मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ईकेवाईसी कराना मैंडेटरी है। आपको अपने पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन की 31 मई 2022 से पहले ईकेवाईसी करानी होगी। अगर आप ईकेवाईसी नहीं करा पाते हो तो आपकी 11वीं किस्त नहीं आएगी। तो आपको ईकेवाईसी कंप्लीट करा लेनी है, आपकी 11वीं किस्त आ जाएगी। तो इस तरह आप पीएम किसान की नई लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हो। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी जानकारियां आपको भविष्य में मिलती रहें। तो फिर मिलूंगा किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।